साथियों, एक सुरक्षित देश में ही विकास की बात की जा सकती है। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं, शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो दीदी और सारे महामिलावटी भड़क जाते हैं। भाइयों बहनों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब हमारे सपूत आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो दीदी को अच्छा नहीं लगता। वो हमारे वीरों के पराक्रम पर ही सवाल उठाने लगती है। क्या ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं? क्या ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं? साथियों, यहां पश्चिम बंगाल में तो इस बार दीदी सारी सीमाएं पार करने पर तुली हुई है। टीएमसी के गुंडे लोगों को वोट डालने से रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये जो विशाल जनसागर है और ये आपका जो उत्साह है ना, इधर आपका उत्साह बढ़ रहा है, उधर दीदी की गर्मी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, ये टीएमसी के गुंडे लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में जनता मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और पूरे जोश के साथ कह रही है, जनता के दिल से एक ही आवाज निकल रही है, जनता की आंखों में एक ही सपना दिख रहा है, जनता की जिगर में एक ही संकल्प सामने आ रहा है, और वो है और वो है चुपे चाप कमल छाप, चुपे चाप कमल छाप, चुपे चाप, चुपे चाप, चुपे चाप, बुद बुद से टीएमसी साहब, बुद बुद से, बुद बुद से, बुद बुद से, चुपे चाप, चुपे चाप, चुपे चाप, बुद बुद से, बुद बुद से, बुद बुद से, बुद बुद से।